अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम ने वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के काफ़िले पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, मत भूलो 27 फरवरी को यही फ़ौज थी और उसका यही बजट था। पाक फ़ौज का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर शदीद तरीन रद्द अमल, दो टोक ऐलान कर दिया। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करेंगे, अगर अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमला किया तो क्या नतीजे होंगे। जर्मनी भी मैदान में कूद पड़ा, संगीन इंतबाह जारी कर दिया। वीडियो के चौथे टॉपिक में बात करेंगे, रूस से मिसाइल खरीदारी पर अमेरिका और तुर्की में ठन गई, अमेरिका का जवाब में इंतहाई इकदाम, तुर्की बाज न आया तो क्या करेंगे, खबरदार कर दिया। वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, पाबंदियां नज़रअंदाज, चीन ने ईरान के लिए अमेरिका से टक्कर ले ली, डॉलर का इस्तेमाल ख़त्म, धमाका खेज इकदाम। वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, दुनिया एक और बड़ी जंग के दिहाने पर, ईरान यमन और शाम में दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करेंगे, अभिनंदन ने भारतीय मीडिया का चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अफगानिस्तान में मौजूद कालादम तहरीक तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस तरह इस नेटवर्क ने खरकमर में पाक फौज पर किए गए बारूदी सुरंग के हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खार कमर में फोर्सेस को एक बार फिर दहशतगर्दी का सामना है, जहां दहशतगर्दों ने फौजी गाड़ी को सड़क पर नसब बारूदी सुरंग से निशाना बनाया, जिसके बाइस पाक फौज के तीन अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर कैप्टन समेत एक जवान शहीद, जबकि चार जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में करीम आबाद हुंजा के रिहायशी लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग, कराची के रिहायशी मेजर मोहीस मकसूद, लक्की मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन आरिफुल्ला और चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले लांस हवालदार जहीद शहीद शामिल हैं। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ने मजीद कहा कि इसी इलाके से चंद दिन कबल फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करके चंद सहूलतकारों को पकड़ा था और पिछले एक माह में फोर्सेस के 10 जवान शहीद और 35 जख्मी हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि वाकये में पाक फौज के तीन अफसरान एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम ने शहीद होने वाले अहलखाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार और जख्मी होने वाले जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वजीर आजम ने वज़ीरिस्तान में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि चंद दुश्मन अनासिर कबायली इलाकों के गयूर अवाम को वरगला रहे हैं, मगर रियासत उन अनासिर को अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दे सकती। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खार कमर में दहशतगर्दों के बारूदी सुरंग धमाके के नतीजे में तीन सिक्योरिटी ऑफिसर समेत चार एहलकार जबकि चार शदीद जख्मी हो गए थे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, मत भूलो 27 फरवरी को यही फौज थी और उसका यही बजट था। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर शदीद रद्द अमल, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दो टॉक मौकफ इख्तियार करते हुए कहा है कि भारत को तंबीह करते हुए कि पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी की कोशिश पर भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी का दिन याद दिलाया और कहा कि मत भूलो 27 फरवरी को यही फौज थी आवर और उसका यही बजट था।
पाक फौज के तर्जुमान ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे अंदरूनी दिफाई बजट को जाली भारतीय मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि हमारे पास जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत है। याद रखो, पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज के पास पीछे बजट नहीं बल्कि अफवाज का आजम और मुत्तहिद कौम है। इस तरह मेजर आसिफ गफूर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर तरीन जवाब दिया। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। जर्मन वजीर खारजा ने ईरान के मामले पर इराक से अपनी मुसाहिलती कोशिशों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जर्मन वजीर खारजा हाइको मास मशरक वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए खलीजी ममालिक के 4 रोजा दौरे पर हफ्ते को बगदाद पहुंचे। जर्मन वजीर खारजा के मुताबिक खित्ते का इस्तेहकाम बहुत जरूरी है और ईरान के साथ किसी मुमकिन जंग के इराक पर भयानक असरात मुरतब होंगे। जर्मन वजीर खारजा बाद में मुतहिदा अरब अमारात और ईरान भी जाएंगे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अमेरिका और तुर्की एक बार फिर आमने सामने आ गए। तुर्की के रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर नाला। अमेरिका ने सदर रजब तैयब उर्दगान के साथ किए गए F-35 तैयारों के वायदे को मंसूख करने की धमकी देते हुए तुर्क पायलट्स को मुल्क बदर कर दिया है। बैनुल अक्वामी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका और तुर्की के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तुर्की अमेरिकी धमकियों के बावजूद रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीदारी पर कायम है, जिस पर अमेरिका ने तुर्की के साथ F-35 डील जुज़्वी तौर पर मंसूख कर दी है। अमेरिका ने तुर्की की साबित कदमी पर बरमी का इजहार करते हुए कहा है कि तुर्क अमेरिका F-35 डील खात्मे का आगाज कर दिया है। इस मुआहदे के तहत अमेरिका तुर्की को F-35 तैयारें फराहम करेगा और इन तैयारों के लिए तुर्क पायलट्स को तरबियत भी फराहम करनी थी। इस हवाले से अमेरिका ने तुर्की को लिखे गए खात में F-35 डील से अलहदगी से इस हवाले से अमेरिका ने तुर्की को लिखे गए खात में F-35 डील से अलहदगी से आगाह करते हुए धमकी दी। अगर रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदे गए तो अमेरिका भी तुर्की को F-35 तैयारे नहीं दे सकता। इस जमन में इब्तदाई तौर पर अमेरिकी वजारत दिफा ने F-35 तैयारों के लिए तरबियत लेने वाले तुर्क पायलट्स को रवा माह के आखिर तक अमेरिका छोड़ने की हदायत कर दी है। अगर तुर्की बाज ना आया तो F-35 डील मुकम्मल तौर पर मनसूख हो सकती है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। चीन ने पाबंदियां नज़रअंदाज कर दी और अमेरिका से टक्कर ले ली। चीनी बैंक ने अमेरिकी पाबंदियों को खातिर में ना लाते हुए ईरान के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बैंक ने कहा है कि रवां वर्ष के आखिर तक ईरान में मालियाती लेन देन की सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज करेगा। ईरान के ऐवान सनत और तजारत के नायब सदर पिदराम सुल्तानैने ने अपने एक ट्वीट में कहा कि चीनी बैंक रवां साल के आखिर तक चीनी करेंसी की बुनियाद पर ईरान के साथ बैंकारी तआवुन का आगाज करेगी। चीनी बैंक का कहना था कि वह ईरान के साथ मालियाती दीन में मसनूआत में मखसूस और अफराद ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों और बैंकों से मुतल्लिक अमूर में ईरान के साथ काम करेगी। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस अजम का इजहार किया कि वह ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। ईरान यमन और शाम में दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान की मिसाइल सरगर्मियों और खित्ते में तेहरान के नफूज में कमी चाहता है। ट्रंप ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ईरानी हुकूमत बातचीत चाहती है, जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वाजे किया कि हम बातचीत करेंगे मगर इस चीज को बावर कराना चाहते हैं कि तेहरान जोरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि इस मामले में फ्रांस के सदर इनके साथ मुकम्मल मुआफ़क़त रखते हैं। दूसरी जानिब एमानुएल मैक्रों ने कहा है कि हम इस बात का यकीन चाहते हैं कि वह जोरी
प्यार हासिल नहीं करेंगे। इस मौके पर ट्रंप ने बावर कराया कि उनके फ्रांसीसी हमनसद इमैनुएल मैक्रोन के साथ और अमेरिका के फ्रांस के साथ ताल्लुकात खसूसी नौइयत के हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि वह जापान में G20 सरबराह इजलास के बाद चीन पर नए कस्टम महसूलात आयद करने के हवाले से फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वह 28 और 29 जून को मुकर्रर मस्कूरा सरबला इजलास के दौरान अपने चीनी हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि फ्रांस के अहदाफ में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सरगर्मियों में कमी और उसके इलाकाई नफूस पर रोक लगाना शामिल है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा पेरिस और वाशिंगटन के दरमियान एक और मुश्तरका हदफ भी है, वो ये है कि खित्ते में अमन, जिसके लिए हमें नए मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। मैक्रोन का कहना था कि आज के रोज सदर ट्रंप की जानिब से सामने आने वाली गुफ्तगू बहुत अहम है। मैक्रोन के मुताबिक वह फ्रांस और अमेरिका के बीच तारीखी ताल्लुकात के ख्वाहां है। दरअसल अमेरिकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस एडम क्रिंगस ने कहा है कि ईरान के साथ जंग छेड़ने का मौका हर दम मौजूद रहता है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अमेरिकी अस्करी कुवत के गलबे की मेहरबानी से इस कबील के किसी भी तनाजे का फैसला मुख्तसर अरसे में हो जाएगा। अगर तेहरान ने इश्तियाल अंगेजी की कोशिशों को दोहराया तो उसे बहुत थोड़े वक्त में बर्बाद कर दिया जाएगा। एडम ने कहा है कि ईरान हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसकी तकरार की सूरत में रद्द अमल मुनासिब जवाब होगा। अगर अस्करी मुकाबला हुआ तो एक तरफा होगा। तेहरान की जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू किए जाने की धमकी के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जबानी जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ये प्रोग्राम ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहदा तय पाने के बाद रोक दिया गया था। इलावा अजीम अकवाम मुतहदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल मौलमी ने कहा है कि ईरान ने अमराती समुद्री हदूद से परे 4 बहरी तेल बरदार टैंकरों पर हमला करके मायनी खेज पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, ताहम ईरान जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। अरब टीवी के मुताबिक एक इंटरव्यू में अब्दुल्ला अल मौलमी ने कहा है कि सऊदी अरब को इस बात का यकीन है कि फुजीरा के नजदीक बैनुल अक्वामी समुद्रों में जहाज पर हमले में ईरान मुलव्विस है। अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करेंगे। भारतीय पायलट अभिनंदन ने एतराफ़ किया कि भारतीय मीडिया हमेशा बात चढ़ा बढ़ाकर पेश करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट ने कहा है कि आग लगाने के लिए छोटी सी बात जो मिर्च लगाकर बयान करते हैं, इंडियन मीडिया भारतीय आवाम को बहका रहा है। अभिनंदन ने कहा है कि भारतीय मीडिया हमेशा अपने झूठ के हवाले से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि बालाकोट में भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय मीडिया ने 350 दहशतगर्दों की हलाकत का झूठा और बेसरोपा दावा किया। भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडे का जवाब उस वक्त की इंडियन वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने दिया और कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान एक भी पाकिस्तानी शहरी या फौजी नहीं मारा गया। जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।